हेलो हाय फ्रेंड दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तोता कैसे पकड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो बने रहिए। फ्रेंड यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं ट्रैप। देखिए ये है एक बांस का डंडा, उसके ऊपर हमने डंडी लगाई हुई है। तो दोस्तों इसको लगा के हम तुरंत यहाँ पे हट जाते हैं। अब देखिए ये जो लाल वाला धब्बा दिखेगा इसी के अंदर है ट्रैप हमारा। तो दोस्तों ये जो होल है, होल के सामने ही बिल्कुल है। अगर पैरेट आता है तो उसमें उसके पंख चिपक जाएंगे और वो उड़ नहीं पाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है क्लियर। तो फिलहाल दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक यहाँ पर आ सकता है पैरेट। ये देखिए पैरेट अपने यहाँ पे, देखिए वहाँ पे नहीं जा रहा है जहाँ पे ट्रैप लगा हुआ है। दोस्तों पैरेट बहुत होशियार बर्ड होता है। फिलहाल दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अचानक से आता है, कैमरा खोलने का भी समय नहीं मिल पाता है दोस्तों, जिसकी वजह से आधा अधूरा रिकॉर्ड हो पाता है। ये देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों फ्रेंड, ये देखिए ये आ रहा है आराम से नीचे, ये आ गया है जमीन पे। फिलहाल दोस्तों ये नीचे आ चुका है फ्रेंड। इसको पकड़ने के लिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल जंगली है फ्रेंड। इसको पकड़ने के लिए पैर से दबाया था जिससे इसके पूंछ के दो तीन बाल निकल गए थे, दो तीन पर। फिलहाल दोस्तों इसको हम बिल्कुल दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे पैरेट देख ना सके। फिलहाल दोस्तों इसके हमने सब कुछ निकाल लिया, ये देखिए अभी चिपका हुआ है, डंडी निकाल ली। फिलहाल दोस्तों अभी दूसरा बर्ड देखते हैं हम लोग। ये देखिए दोनों लगे हुए हैं, दोनों ट्रैप लगे हुए हैं दोस्तों। ये पैरेट जहाँ पे बैठे हैं ये दोनों पाइप के ऊपर ट्रैप लगा हुआ है। यहाँ पे एक पहले वाले लाल घेरे में एक पैरेट दिख रहा है जो लगता है कि चिपक गया, हल्का सा चिपक गया दोस्तों, लेकिन वो उड़ा नहीं है तो वो अपने आप को निकाल लेगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये पैरेट अपने आप को निकाल रहा है, बाकी सब के सब चले गए। इसीलिए कह रहा था दोस्तों पैरेट बहुत होशियार बर्ड होता है, ये अपने आप को निकाल सकता है। देखिए दोस्तों वो निकाल रहा है। फिलहाल दोस्तों हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं और दूसरा बर्ड कब तक आता है। आजू बाजू बहुत सारे परिंदे हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। तो दोस्तों कुछ देर बाद ये देखिए फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला पैरेट अभी अपने आप को निकाल रहा है पहले वाले पाइप के पास, ये दूसरे वाले पाइप के पास आ रहा है। ये कभी भी दोस्तों ट्रैप में आ सकता है। फिलहाल ये देखिए ध्यान से देखिए ये आ गया फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिए। हमने थोड़ा जूम करके स्लो कर दिया है स्लो मोशन में, जिससे आप देख सकते हैं फ्रेंड ये आ गया नीचे। और जो पैरेट हैं देखिए इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इसको डिस्टर्ब ना करते हुए हम लोग सामने से नहीं पीछे से आएंगे, इसको आराम से उठा लेंगे। एक बंदा कैमरा लेके आ रहा है और एक बंदा इसको पकड़ के पकड़ के इसको अंदर कर लेंगे। दोस्तों इसको यहाँ से साफ करके टाक से उड़ा देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसमें ग्लू चिपका हुआ है,
हम लोग बोरी लेके आए थे दोस्तों, इसमें से देखिए ये डंडी को निकाला हमने। डंडी को निकालने के बाद इसको हम इसको भी निकाल लेंगे दोस्तों, ये काटते बहुत तेज हैं। फिलहाल दोस्तों इसको थोड़ा ग्लू चिपका हुआ है, इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप निकाल सकता है ग्लू को। अन्य पक्षियों की तुलना में दोस्तों पैरट बहुत चालाक होता है। ये देखिए अपने पैर से पकड़ लिया है बोरी को। फिलहाल दोस्तों इसके पंख में देखिए थोड़ा ग्लू लगा हुआ है। अब इसको साफ करके हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। फ्रेंड ये देखिए अभी हम इसको छोड़ने वाले हैं। दोस्तों हमने इसको आज़ाद कर दिया, ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाया, फिर भी ये ऊपर चला गया है। तेल तो ग्लू लगा।